खबर उत्तर प्रदेश के ललितपुर से है, जहां से मानवताओं को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल थाना बानपुर क्षेत्र में एक पिता पर अपनी तीन नाबालिग बेटियों को हथौड़े से मारने और आग लगाकर जलाने का आरोप लगा है, जिसमें 3 साल बाद सुनवाई करते हुए जज ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। आज माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त छिदामी उर्फ छिद्दू, जिसने अपनी तीन बच्चियों की हत्या की थी, सिर कुचलते हुए उनको हत्या की पहले और उसके बाद उन तीनों बच्चियों को पेट्रोल डाल के आपके हवाले कर दिया था, जो मुकदमा वर्ष 13/11/18 का है और उसमें न्यायालय ने आज मृत्युदंड